आज हम बस कुछ ही सामान को यूज करके एक ऐसी स्वीट की रेसिपी बनाने वाले हैं ना, और एकदम सिंपल है। जो कभी स्वीट नहीं भी बनाया होगा ना, वो भी इंसान इसे बना लेगा। बहुत इजी रेसिपी है और खाने में इसका कोई जवाब नहीं है। अब जलेबी वगैरह भूल जाएंगे, मालपुआ वगैरह भूल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिल्क पाउडर लेना है। तो मैंने एक कटोरी मेजरमेंट के लिए लिया है, छोटी सी कटोरी है, आधा कटोरी मिल्क पाउडर, और उसी कटोरी से दो कटोरी मैंने मैदा लिया है। अब उसी कटोरी से हम लगभग आधी कटोरी ही बेसन लेंगे। सेम कटोरी है, आप देख सकते हैं, छोटी सी कटोरी है, उससे ही मैंने लिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चम्मच के हिसाब से या कटोरी के हिसाब से। दो से तीन चुटकी हल्दी डालनी है इसमें, और आपको इसमें पानी ऐड करना है। हल्दी हमने इसलिए डाली है, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, फूड कलर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इससे कलर चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह इसे फेंटते हुए हमें लम्स फ्री, मतलब इसमें जो बबल्स वगैरह, वो जो गुठलियाँ वगैरह, वो नहीं रहनी चाहिए, ऐसा एक घोल तैयार करना है। लेकिन याद रखिए, एकदम फ्लोइंग घोल होना चाहिए। अब पकौड़े वगैरह के लिए घोल लगाते हैं ना, उससे भी ढीला घोल होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इसे आपको ढक देना है, ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तब तक हम एक चाशनी बना लेते हैं, बहुत सिंपल चाशनी है, उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। गैस ऑन है, इसमें आधी कटोरी मैंने पानी डाल दिया है, और एक कटोरी आपको इसमें चीनी डाल देनी है। और भी इसमें मतलब इसको कोई ज़्यादा तार वार देखने की ज़रूरत है। और हाँ, इसमें आप थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची डाल देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होगा, ठीक है। अब आपको इसे बस घुल जानी चाहिए, इतना आपको पका लेना है, कोई तार वार वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं, बस घुल जाए चीनी, इतना ही आपको पकाना है। ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है, इसे हम साइड में रख देंगे। और ये हमारा घोल भी 10 मिनट रेस्ट ले चुका है। अगर ये गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं। अब एक जगह पे ऐसे फ्लोइंग से आपको डालना है, फ्लेम आपको मीडियम रखना है। जितने आपके पैन में आते हैं, फ्लैट पैन लीजिएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट पकाइएगा, फिर इसे फ्लिप कर लीजिएगा। याद रखिएगा, इसे आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना ऊपर से ये लाल हो जाएगी और अंदर से पकेगी नहीं। और ये देखिए, क्रिस्प जैसा एकदम कलर भी देखिए कैसा, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया। अब गर्मा गर्म ही आपको इसे चाशनी में डिप कर देना है। अब डिप कितना करना है, जो हमने तीनों बनाया है, तीनों डालने का आपको 2 से 3 मिनट डिप करना है, मतलब कि दूसरा लॉट जब तक तैयार होगा तब तक आप इसे डिप करके रखिएगा, फिर निकाल लीजिएगा। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है, और हमारी जो स्वीट सिंपल एक मिठाई बनके तैयार हो चुकी है, आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे घर पे हैं, बच्चे भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। अब सोच रहे होंगे मैंने एक हाथ से क्यों तोड़ा है, क्योंकि वो जो बाउल में हमने घोल बनाया था ना, वो बाउल मेरे हाथ से टूट गया और मेरा ये उंगली ये डैमेज हो गया, तो एक हाथ से ही काम चलाना पड़ा, वरना मैं दोनों हाथ से तोड़ के आपको दिखा देता। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कल फिर मिलता है।